अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखिए बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। आइए इसमें क्या क्या सामान पड़ेगा वो देखते हैं। ये देखिए आधा किलो चावल है और इसमें जो है पत्ता गोभी हमने काट ली। पत्ता गोभी आप अपने हिसाब से काटिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इसमें। ये हरी मटर है, शिमला मिर्च, गाजर, सब चीज़ हमने देखिए पतले पतले स्लाइस में काट लिया है इस तरह। गाजर हमने ग्रेट कर लिया है, हरी मटर ऐसे रख लिया है। सोया सॉस है 2 चम्मच, 3 चिली है 2 चम्मच, 3 जो है चिली जो है काट के भी हमने लिया है। विनेगर 2 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, काली मिर्च के पाउडर आधा चम्मच, कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच, नमक है, टेस्ट के हिसाब से डालना है। अब इसको जो है चावल को हमने इसमें आधा घंटा भिगा देना है। जब तक ये चावल भीगता है उसको हम उबाल के, नमक डाल के उबाल के इसको रखते हैं, फिर ये सारी सब्जियाँ बनाते हैं। देखिए फ्राइड राइस के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हमने तेल डाल दिया है। तेल हमने ये देखिए चावल के हिसाब से डाल दिया है। और चावल 500 ग्राम है, उसको उबाल, नमक डाल के हमने उबाल लिया है, उबाल के उसको छान के रख दिया है। अब वो जब ठंडा हो रहा है, ठंडा हो जाएगा तभी बनता है फ्राइड राइस। वो ठंडा हो रहा है तब से हम ये सारी सब्जियाँ सॉटे कर लेते हैं। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब तेल में हमने जो है लहसुन अदरक डाला है 1 चम्मच भर के, और लहसुन अदरक जो है फ्राई हो जाता है थोड़ा सा, उसके बाद सारी सब्जियाँ डालते हैं। लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई कर, सॉटे करना है। सॉटे करने के बाद अब सारी सब्जियां डालते हैं। लहसुन अदरक सॉटे हो गया तो अब हमने मटर डालना है। मटर पड़ती नहीं है मगर हमने डाला है मटर, आपको अगर पसंद हो तो डालिएगा आप मटर, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मटर इसमें हमने डाल दिया है, बच्चों को पसंद आती है मटर इसलिए। अब ये थोड़ा सा मटर जो है फ्राई हो जाए तब फिर और सब्जियाँ डालते हैं। देखिए मटर फ्राई हो गई थोड़ी सी, अब इसमें हम गाजर डाल रहे हैं और पत्ता गोभी डाल रहे हैं। पत्ता गोभी भी आप जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना पसंद हो। हमने पत्ता गोभी थोड़ा ज़्यादा लगाया कि बच्चे खा लें, इसी वजह से। पत्ता गोभी नहीं तो खाते नहीं है बच्चे, फ्राइड राइस की वजह से बच्चे सब्जियां खाने लगे हैं इसलिए फ्राइड राइस में पत्ता गोभी ज़्यादा, गाजर ज़्यादा, चावल कम डालते हैं कि बच्चे खा लें। सब्जी जो है भुन रही है तब से हम जो है इसमें डालते हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, सोया सॉस में भी नमक रहता है, इसलिए नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हम जो है सब्जी के साथ, चावल में भी नमक है तो इसलिए आप सब्जी के हिसाब से ही नमक डालिएगा। बस इसमें हरी मिर्ची डालते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल रहे हैं, अब इसको मिक्स करते हैं। देखिए ये सब्जियां जो है सॉटे हो गई हैं, अब इसमें जो है हम ये देखिए हो गई, अब इसमें हम शिमला मिर्च डालते हैं। शिमला मिर्च को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसलिए हमने लास्ट में डाला है शिमला मिर्च। अब इसको चला के 2 मिनट इसको भी चलाते हैं, पक रही है उस तब से हम जो है सॉस जो है सारा कॉर्नफ्लोर में मिक्स कर लेते हैं। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में, ऐसे पानी डाल के उसको गोल लिया खूब अच्छे से। अब इसी में जो है सारे सॉस, सोया सॉस हमने डाल लिया है और विनेगर और चिली सॉस, सब इसमें जो है डाल के एक साथ ही मिक्स कर लेते हैं। सब मिक्स करने के बाद ये सब्जियों में हम डालते हैं। देखिए हमने ये सबरा मिक्स कर लिया है ना, सब्जियों में ये डालते हैं पूरा खूब अच्छे से, इसको चला के फिर इसमें मिक्स करते हैं सारा, इसमें सॉस और सब मिला के मिक्स करते हैं। अब इसको जो है खूब अच्छे से, ये देखिए सारी सब्जियां हो गई हैं। अब ये सॉस और कॉर्नफ्लोर डाल के हमने इसको थोड़ा देर और चलाना है, उसके बाद फिर जो है जो हमने चावल रखे हैं उबाल के वो मिक्स करना है। देखिए ये सब्ज़ी जो है अब हो गई है, अब इसमें हम जो है चावल डालते हैं जो हमने उबाल के रखे हैं। ये ठंडे हो गए हैं चावल, चावल को जो है अब इसमें ऊपर रख के फिर मिलाते हैं। ये फ्राइड राइस मिक्स हो गया है, अब ये जो है पूरा तैयार हो गया, हमने बंद कर दिया है। अब इसको जो है आप लोग इंजॉय करिए और अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।